मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। सीएम अशोक गहलोत ने थानागाजी गैंगरेप मामले में कहा कि ये बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में प्रशासनिक जाँच के निर्देश भी दिए गए और सीएम अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। अब एसपी ऑफिस में पीड़ित एफआईआर दर्ज करवा पाएंगे और जल्द ही न्याय मिल पाएगा। थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर थानाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनके समय तो एफआईआर की संख्या भी काफी कम रहती थी। दूसरी ओर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने आईएनएस विराट को लेकर जो मजाक किया उसे पीएम पद की गरिमा घट चुकी है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत दिल्ली से वापस जयपुर लौटे और जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए और कई मुद्दों पर बात की। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। केस बड़ा गंभीर केस है और दुर्भाग्य से ऐसी घटना है। राजस्थान में पिछले एक लंबे अरसे से चली आ रही है, कभी बीकानेर, कभी शिखर, कभी अलवर। दुर्भाग्य से ये महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है और ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो इसको भी मैंने अभी तय किया है कि केस ऑफिसर स्कीम होती है जिसके अंतर्गत पूरी तरह मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन की पुलिस की देखरेख होती है, उसके अंतर्गत इस केस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। केस ऑफिसर स्कीम, उसके अंतर्गत इसकी पूरी तरह से जांच होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। मॉनिटरिंग के आधार पर सजा दिलाई जाएगी जिन्होंने अपराध किया है। नंबर दो, मैंने अभी मीटिंग करी है ऑफिसर के साथ में, मैंने तय किया है इन फ्यूचर राजस्थान भर के अंदर जैसे 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 एससी एसटी के लिए नोडल ऑफिसर होता है, एक सीईओ लेवल का ऑफिसर जिसका काम है कि एससी एसटी के केसेस को, अत्याचार केसेस को नोडल ऑफिसर, वो सीईओ है, उसकी देखरेख में पूरी मॉनिटरिंग होती है। उसी रूप में मैंने तय किया है कि एक पुलिस सीईओ लेवल का ऑफिसर जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार, उसमें किडनैपिंग भी आती है, उसमें रेप केस भी आते हैं, उसमें गैंग रेप भी आते हैं, सभी आएंगे। मैं जो है इस रूप में सामने आ रही है उसमें तीन चार जिलों में ज़्यादा घटनाएं हुई है। पिछली सरकार ने क्योंकि ध्यान दिया नहीं, हमेशा जो केस नंबर है एफआईआर नंबर कितने कम ज़्यादा हुए उसके आधार पर हमारे गृह मंत्री जी अप्रिशिएट करते गए, हौसला अफजाई करते गए। विराट को लेके जो मजाक उड़ी है प्रधानमंत्री जी की, पूरा देश और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस तरह के व्यक्ति अपने पर की गरिमा घटाने का, मैं समझता हूँ कि जो स्तर बना है आज़ादी के बाद में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी इतने बौखला गए हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वसुंधरा जी की विदाई यात्रा चल रही है और वो पूरी हो चुकी है, अब जो है नरेंद्र मोदी जी की विदाई यात्रा चल रही है।